प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज समय आ गया है हमें आपको फैसला लेने का। 3528 खाली सीटों पे फैसला लेने का। बड़ी मुश्किल के बाद 3528 खाली सीटों का डाटा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हमें आपको मिला था। बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे, जिसमें प्रदेश का हर याची भाई बहन सदस्य गण का विशेष योगदान रहा था। लेकिन ये भी अटल सच्चाई है, माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक सीटों का डाटा जब तो छोड़ दिया जाए तो आज तक और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है बजाय निराशा के। लेकिन हमारे आपके लिए दो रास्ता है, या निराश होके हताश होके घर पे बैठ जाएं, या 3528 खाली सीटों को लेके आगे जो भी हमारे विकल्प हैं उस पे कंटिन्यू कार्य करें। जब तक कार्य करेंगे तब तक आशा है, जिस दिन कार्य करना बंद कर दिए उस दिन सारी आशा खत्म हो गया, ये भर्ती खत्म हो जाएगा। अब तमाम महान भावों के द्वारा कुछ मनगढ़ंत बातें ग्रुप में वायरल किया जाता है, बरगलाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन इस पे हमें कोई ना तो ध्यान देना है ना तो टीपा टपड़ी करना। आज जो भी सच्चाई है मैं आपको रू रू करना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, हमारे लिए माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में जो विकल्प था उस पे हमने कार्य कर दिया है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुका है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शनिवार तक हर हाल में रीट नंबर आ जाएगा। इस सप्ताह बहस हो गया तो ठीक है, वरना अगले सप्ताह जरूर बहस होगा। इंट्रैक्शन काल हो गया तो बेहतर है, नहीं हुआ तो भी बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब कुछ खो चुके हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सफलता मिला तो बेहतर है, नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ नुकसान हो चुका है। तो न्यायालय के बारे में आपको बता दिया गया है, इलाहाबाद के बारे में जैसे ही रीट नंबर आएगा आपको जानकारी दे दिया जाएगा, जिस दिन आर्गुमेंट होगा। ठीक, अब दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लार्जर बेंच, संवैधानिक पीठ, या रिव्यू पिटीशन, या पेंडिंग रीट पे आर्गुमेंट। लार्जर बेंच या रिव्यू पिटीशन पे कोई अधिवक्ता बहस नहीं करता है, आप रिट फाइल कर देते हैं, स्वयं स्वेच्छा से जस्टिस फैसला लेते हैं कि इस फैसला को बदलना है कि नहीं बदलना, चांसेस बहुत कम रहता है। न्यायालय का एक प्रक्रिया है लेकिन चांसेस बहुत कम रहता है। दूसरा हमारे लिए जो ऑप्शन है, जो पेंडिंग रीट है, 3 महीना पहले जो करवाया गया था उसको रजिस्टर्ड करा के राजीव धौन साहब से आर्गुमेंट कराना। ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, जब तो नोटिस हो जाता है तो हम लोग जरूर आगे कामयाब होंगे, क्योंकि हार के बाद जब तो नोटिस होता है तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हाथ लग जाएगा, और नहीं होता है तो जीवन में हमें कभी ये नहीं निराशा होगा कि हमने प्रयास नहीं किया, ये सोच लेंगे कि मुकद्दर में शायद हमें वर्दी नहीं लिखा है। उसी दिन जिस दिन रीट एक्सेप्ट नहीं हुआ, नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई प्रयास नहीं किया जाएगा और कोई फायदा भी नहीं है। जब तो नोटिस हो गया तो इससे भी ज्यादा प्रयास किया जाएगा शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे। हां, कल से कार्य चालू कर दूंगा, 3 से 4 दिन में मैटर को रजिस्टर्ड करा दूंगा। जैसे मैटर रजिस्टर्ड होता है आपको डायरी नंबर सारे चीजें आपको बता दिया जाएगा।
इसके लिए कोई भी किसी से फीस नहीं लिया जाएगा। पहली चीज, जैसे मैटर रजिस्टर्ड होता है, हो सकता है संजय किशन कौल जी के बेंच में जाए या 5% किसी और भी बेंच में जा सकता है, यह हमारे भाग्य के ऊपर है। ठीक, जैसे ही सुनवाई का डेट मुकर्रम होता है, हम सीनियर एडवोकेट हरी सालवे के बाद राजीव धवन जी का ही, जहां तक सीनियरिटी में नंबर आता है, उनसे आर्गुमेंट कराएंगे। उनके बारे में आप YouTube से लेके अधिवक्ता से जानकारी ले लीजिएगा राजीव धवन साहब के बारे में। अब आप दिमाग में आएगा कि पहले क्यों नहीं किया गया, तो हमें जानकारी नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम जन्म से ही सुप्रीम कोर्ट में थे, जैसे अधिवक्ता सुझाव देते हैं वैसे करना पड़ता है। कई अधिवक्ताओं का सुझाव हुआ कि आप रिव्यू पिटीशन ना दाखिल करिए, लार्जर बेंच ना जाइए, आप पुनः बहस करा लीजिए, तो प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब आपको जो भी सहयोग देना है वो राजीव धवन जी को हायर करने के लिए ही देना होगा, उसके पहले आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाए। बहस जैसे 4-5 दिन रहेगा, आपको बता दिया जाएगा। या तो आप नहीं करते हैं तो आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, केस विड्रा करा दिया जाएगा और फिर हम आप घर बैठ जाएंगे। ठीक, जो मुझसे बन सकता है मैं उस लड़ाई को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका साथ रहा तो लड़ाई लड़ूंगा, भागूंगा नहीं। ये सारी बातें हम बहुत पहले भी आपको अवगत करा दिए, लड़ाई लड़ूंगा भागूंगा नहीं। या तो आपका सहयोग रहेगा तो जरूर लड़ाई लड़ूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैटर रजिस्टर्ड करा रहा हूं, हाईकोर्ट में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में करा रहा हूं। इसके लिए किसी से 1 रुपया फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहां सीनियर अधिवक्ता की बात आएगा, वहां खर्च जो बात चल रही है एवार से लेके जूनियर अधिवक्ता से लेके ब्रीफिंग तक 3 से 3.5 तक खर्च आ सकता है, जिसमें जूनियर अधिवक्ता का और सीनियर अधिवक्ता का। इसके लिए आप भी फोन करके, जो दानिश जुबेर जी का नंबर जानते होंगे वो खुद बात कर लेंगे, फीस कितना लग रहा है, क्या है क्या नहीं। ठीक, कोई भी मामला आपसे, कोई तथ्य छुपाया नहीं जाएगा। अब लड़ना न लड़ना, सहयोग करना, ये आपके ऊपर है। मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूं, आप लोगों का सहयोग मिला तो बहस होगा, नहीं मिला तो विड्रा करवा लूंगा। ठीक, अब तीसरा जो प्रयास है वो राजनीतिक स्तर पे। राजनीतिक स्तर पे सबको प्रयास करना चाहिए, सबको अपने भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। एमएलए, मंत्री, विधायक, सबसे आप जो आपसे हो सकता है, इतने हो सकता है, ज्ञापन दीजिए या उनके लेटर पैड से मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचाने का कोशिश करिए। क्योंकि गृह मंत्रालय श्री योगी आदित्यनाथ जी के ही पास है, जो भी हमारे आपके लिए कुछ कर सकते हैं वही कर सकते हैं, बिना उनके फैसला का कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री होगा वहां तक बात पहुंचा सकता है, कोई फैसला नहीं ले सकता है सिवाय मुख्यमंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। रही बात जनता दरबार का, इसमें भी हम 4-5 बार प्रयास कर चुके हैं, जो सफलता नहीं मिला, फिर भी निराश नहीं, सफलता मिले या ना मिले प्रयास जारी रखना चाहिए। जो भी भाई बाराबंकी या लखनऊ का हो, वो एक बार आपसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, तो आप जो हर मंगलवार को लग रहा है तो आप जाइए, सोमवार मंगल एक ज्ञापन दीजिए, समस्या बताइए, सुना जाए या ना जाए वो बात अलग है, लेकिन आप प्रयास करिए। कोई भी आपके करीबी एमएलए हो या विधायक हो, उन्हें आप ज्ञापन दीजिए, आप उनसे अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताइए। अब वो वहां तक पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पीड़ा बताइए। तो राजनीतिक स्तर पर जो भी बातें हो सकता है, हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी प्रयास करिए। और कल, क्योंकि कुछ ज्ञापन तैयार कराया जाएगा, जो आगे सोमवार या मंगलवार को अगला जो पड़ेगा उसमें जरूर मेरा योगदान रहेगा। कोई नहीं जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन उसके पहले भी कल जो भी जा सकता है वो जाके दे,
भीड़ मत लगाइएगा, सिंगल पर्सन जाएं, भीड़ लगाओगे तो कोई नहीं जाने पाएगा, एक लोग जाओ, ठीक है। या तो जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो सारी बातें आप लोगों को बता दिया गया। राजनीतिक स्तर पे आप जो संभव हो प्रयास करिए, किसी व्यक्ति वर्ग की लड़ाई नहीं है, सार्वजनिक लड़ाई है, 3528 लड़ाई है, एक भी सीट मिला तो सबको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। ऐसा नहीं है कि उनको मिल जाएगा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेगा तो 3528 सीट मिलेगा, मिलेगा तो याचियों को मिलेगा, तीसरा और कोई विकल्प नहीं है, 3528 या याची, ठीक। और ऐसा नहीं है कि जाएगा कोई तूर के लेके चला आएगा, न्यायालय में मामला जैसे ही किसी केस पे नोटिस हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो अपना पक्ष रखने के लिए 3528 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पहला हमारा प्रयास रहेगा, चाहे न्यायालय हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। तो इसको लेके आप लोग कोई दुखित ना रहिएगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा, ठीक, और मिलेगा तो याचियों को मिलेगा, या तो 3528 मिलेगा या तो याचियों को मिलेगा राहत, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गया है, इसी सप्ताह जैसे ही रिट नंबर आता है आपको बता दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लास्ट अवसर, जो लास्ट मौका है, उस पर कल से कार्य करना प्रारंभ कर दूंगा। मैटर को रजिस्टर्ड कराने का कोशिश कर रहा हूं, 2 से 3 दिन में हो जाएगा, जैसे होता है आपको डायरी नंबर दे दिया जाएगा। 3 महीने पहले ही इसको डाला गया था, जब उस समय फिर बाद में आईए दाखिल कर दिया गया था, इसको वैसे होल्ड में था, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड हो जाता है आपको जानकारी दिया जाएगा सबका, चाहे वो संघर्ष समिति भाई के हों, चाहे संघर्षशील, सबका राय रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, तो एक मौका लिया जाएगा, बहस करवाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, नहीं रहेगा तो केस को विड्रॉ करवा दिया जाएगा। बाकी जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं, हमारा कार्य है वो मैं कर रहा हूं, मैं लड़ाई को लड़ूंगा, भागूंगा नहीं। या तो आपका साथ और सहयोग रहा तो जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। ग्रुप में आप शांति बना के रखिए, तमाम बरगलाने वाला कमेंटबाजी मत करिए, ये लड़ाई सबकी है, प्रयास करना हमारा आपका काम है, कर्म है, फल देना ईश्वर का मर्जी, जो प्रयास करता है जरूर सफलता मिलता है, यही इतिहास है, इसी पे हमें विश्वास करके आगे प्रयास करना है। तो कल से रजिस्टर्ड कराने का कोशिश करूंगा, और जैसे रजिस्टर्ड होता है फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई व्यक्ति विशेष नौकरी नहीं पाएगा, पाएगा तो सबको मिलेगा, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।